अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली यू ऑल आर फाइन। कैसे आप सब लोग जी? वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है ना, मैंने सोचा कि यार मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि इतने मुझे मैसेजेस आ रहे थे। बस मैंने कहा चलो यार रिलैक्स होकर बैठूंगी और आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ठीक है, ऐसा सीन हुआ कि अभी तो आप सब लोगों को पता है कि जैसे कि मेरे दो बच्चे हैं, ठीक है, आयमा की बारी पे भी ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास जिस दिन मैं गई ऑपरेट वाले दिन, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने कौन सा एनेस्थीसिया लेना है, जनरल लेना है या एपिड्यूरल लेना है। उससे पहले बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा होता है, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना यार, उस पर हर बंदे को, हर माँ को बहुत डर लग रहा होता है कि बच्चा जो ना बेऐब ना पैदा हो, या मतलब जिंदगी वाला हो, सेहत वाला हो। सबसे ज्यादा बच्चे की टेंशन होती है, ऑपरेशन की टेंशन नहीं होती। जैसे पहले जो ना प्री ओटी में लेके जाते हैं और वहां पे आपसे वो पूछते हैं कि आपको कोई इशू तो नहीं है, आपको कोई मतलब एलर्जी तो नहीं है, कोई डोज से एलर्जी तो नहीं है, वो आपसे पूछते हैं कि आपका कोई ऑपरेट तो नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका कोई ऑपरेट हुआ है, मैंने कहा जी मेरा ऑपरेट हुआ है, क्योंकि मैं बर्न हो गई थी तो मेरी एक सर्जरी हुई हुई थी 4-5 घंटे की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको कौन सा एनेस्थीसिया लगा था, मैंने कहा मुझे ऑब्वियसली जनरल एनेस्थीसिया लगा था। तो उन्होंने कहा आपको कोई इशू तो नहीं है? नहीं, मैंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एपिडोरियल लेंगी या आप जनरल एनेस्थीसिया लेंगी, मैंने कहा कि मैं जनरल एनेस्थीसिया लूंगी। मैंने क्यों कहा, मैं आप लोगों को रीजन बताती हूँ कि ऐसा सीन है कि हम लोग तीन बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। ऑब्वियसली मेरी बहनों के बच्चे हुए हुए थे, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो उनके बच्चे हुए हुए थे। तो मेरी बहनों ने अपने दो बच्चों की बारी पे तो एक बहन ने जनरल एनेस्थीसिया लिया, जो थर्ड उसका बेबी था, तो उस टाइम पे मैं 4th मंथ प्रेग्नेंट थी। और मैं उसके बाद डॉक्टर के पास, मतलब उसके पास हॉस्पिटल में स्टे किया था मैंने। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम मेरे साथ रात को रहना, मैं अब 4th मंथ प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी डिलीवर हो रहा था, और उसकी डॉक्टर ने उसे एपिडोरियल लगाया। आप यकीन करें कि मुझे उसको देख के इतना डर लगा, क्योंकि जब आफ्टर एपिडोरियल ऐसा हुआ कि जब वो आई तो वो 3 घंटे ऐसे ऐसे शिवरिंग उसको होती रही। मैं कहूँ ये इतनी शिवर क्यों करी है? डॉक्टर ने कहा कि आपने तकिए के नीचे सर नहीं रखना, अगर आप तकिए 24 घंटे आप नहीं रख सकते, अगर आप रखेंगे तो आपके बैक में बहुत पेन होगा। कई लोगों को सर में दर्द होता है, कई लोगों को बैक में पेन होता है। अब एपिडोरियल होता क्या है, ये ना कि कई लोगों को ना पता हो, तो वो ये होता है कि आप लोगों का जब ऑपरेट हो रहा होता है, ड्यूरिंग ऑपरेट, आपका जो अपर बॉडी होती है वो आप बिल्कुल नॉर्मल होते हो, आपको पता होता है कि आपका ऑपरेट हो रहा है, लेकिन आपका जो नीचे वाला, यहाँ पेट से लेकर नीचे पांव तक आपका जितना भी पूरा हमारी बॉडी होती है उसको सुन कर देते हैं। सुन कैसे करते हैं कि हमें 3 या 4, मुझे कंफर्म नहीं पता, वो इंजेक्शन हमारे इधर स्पाइनल में लगते हैं, ठीक है, और आपको झुकना पड़ता है। मतलब डॉक्टर कहता है आप यूं झुके रहें कमर को, और बिल्कुल बेंड नहीं होना होता, मतलब स्ट्रेट नहीं करना होता कुछ देर के लिए, और यहाँ पे लगते हैं इंजेक्शन, और उसका काफ़ी पेन होता है, मैंने सुनाया जहाँ तक, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं है। तो लेकिन मैंने बहुत से लोगों को, अपनी फ्रेंड को देखा, मेरी माहम का जब बेबी हुआ तो उसके बाद मैं जब गई ऑपरेट के लिए, तो मैं बहुत डर गई थी, मैंने कहा था मैं एपिडोरियल नहीं लूंगी। और आप यकीन करें, बहुत लोग कहते हैं हमारा सी सेक्शन होता है, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उससे तो बढ़कर कोई और डिलीवरी है ही नहीं। अगर पाकिस्तान में, अब आपको पता है सी सेक्शन हर दूसरे बंदे का हो रहा है, तो डॉक्टर्स कहते हैं जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। वैसे तो सबको कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्मल हो। मेरा आयमा की दफा इसलिए नहीं नॉर्मल हुआ था कि मेरी 2 क्वार्ट्स थी आयमा पे, तो उन्होंने कहा आपका नॉर्मल नहीं हो सकता, और मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, मुझे एक प्रॉब्लम है जो कि मुझे कोई स्वेलिंग हो जाती है, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। दूसरी बारी पे, आयमा की बारी पे ऐसा हुआ कि मैंने डॉक्टर को कहा मुझे जीए दे, आप यकीन करें मुझे कुछ नहीं पता था पूरा, वो बेहोश कर देते हैं, मास्क लगाते हैं और वो कहते हैं आप लंबे लंबे सांस ले, उसके 2 सेकंड के बाद हम बिल्कुल गायब। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता होता कब कट लगा, क्या हुआ, कैसे बेबी हुआ, ऑपरेट हुआ, कुछ नहीं पता। एनेस्थीसिया में लोग इसलिए नहीं लेते कि यार हमारी पिक्चर नहीं बनेगी, हम लोग अपने बेबी को फौरन देखेंगे। ऑब्वियसली मैं आयमा को, मेरे ख्याल से जिस हॉस्पिटल में मैं करती हूँ उधर बेबी को 1 दिन रखते हैं, और मदर को आईसीयू में रखा था, मुझे आईसीयू में रखा था 1 दिन, और आयमा को 1 दिन उन्होंने एनर्जी में रखा था। तो मुझे 24 घंटे के बाद आयमा देखी थी मैंने। लेकिन ये है कि जब जो लोग एपिडोरियल लगाते हैं उनको तो ऑब्वियसली वो ऊपर से सही होते हैं बिल्कुल, उनका नीचे वाला सोन होता है और कट लगता है और ये वो सही होते हैं नॉर्मल, लेकिन कई लोग पैनिक हो जाते हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया था कि बहुत से लोग ड्यूरिंग एपिडोरियल पैनिक अटैक आ जाता है, बीपी लो हो जाता है, हाई हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या करें? वैसे तो डॉक्टर ने एहतियातन रखा हुआ होता है जनरल एनेस्थीसिया कि आपको वो लगा दें, लेकिन मैं सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने दोनों बारी पे जनरल एनेस्थीसिया लिया। दूसरी बारी पे तो मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ। एक तो बात ये थी कि पहली जगह पे ही कट लगा हुआ था और उसी जगह पे दोबारा कट लगता है, ठीक है, और सेम जगह होती है
और मुझे लगता है एक्सपीरियंस मदर को हुआ होता है और अल्लाह ताला बहुत हिम्मत दे देता है। मैंने बहुत से लोगों को देखे हाँ जो पहला कट के बाद अपने पहली दफ़ा उठना होता है ना, क्योंकि पहले दिन तो हमें यूरिन बैग लग जाता है, यूरिन बैग की वजह से हमें कोई पेन नहीं होता। जब अगले दिन डॉक्टर कहते हैं कि आप यूरिन बैग उतारें और आप वॉक करें, वो जो टाइम होता है ना, आयमा की बारी पे तो बहुत एक्सट्रीम टाइम था। मतलब मैं बहुत कांपती थी, मुझे दो तीन लोग आते थे उठा के वॉशरूम लेके जाते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन जुहान की बारी पे पता नहीं, मुझे नहीं पता, अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी हिम्मत दी कि मैं खुद भी हैरान होती थी कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। रात को मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ, उन्होंने स्टे किया था, मेरी दोस्तों ने, सारी रात हम हंसते, मुझे नींद भी नहीं आती थी। और मुझे ये लगता है कि जहाँ तक जिनको जनरल एनेस्थीसिया लगता है उनकी नींद उड़ जाती है, हालांकि उनको नींद आनी चाहिए। पहले कुछ घंटे नींद आती है, उसके बाद मेरी नींद उड़ जाती है, मुझे सारी रात नींद नहीं आती, क्योंकि शायद बेचैनी भी होती है, बेबी को नहीं देखा होता है। जो भी बंदा मुझसे मिलने आ रहा होता है, मैं हर किसी से पूछती हूँ यार बताओ बेबी कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। खैर एनी हाउ, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी, सब बहनों को, हर बंदे की अपनी मर्जी है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंड करूँगी कि जनरल एनेस्थीसिया जो होता है ना वो ज़्यादा सेफ होता है। और उसके बाद हाँ एक प्रॉब्लम होता है कि आपका गला जो है ना, जब हम होश में आते हैं तो गला बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक उन्होंने यहाँ पे पाइप डाला हुआ होता है और इस तरह से होता है। तो हम लोग बाद में डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप ग्रीन टी पिए, दो तीन दिन हम लोग दूध से आप पी लें, या चाय में थोड़ा सा हम कुछ भी डाल लें, और आप विक्स लगा लो थोड़ी बहुत, कुछ दो तीन दिनों के लिए होता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। इतना नहीं होता कि एक्सट्रीम माएँ जो होती है ना, वो पहले ही हर माँ को, मुझे ये लगता है ऑपरेशन थिएटर हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, सबसे पहले नफल पढ़ के जाने चाहिए, दुआ मांग के जानी चाहिए अल्लाह ताला से, और सब कुछ इस तरह से कि सब चीज़ें स्मूथ हो, हमारा बेबी खैर खैरियत से पैदा हो। सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है ना वो ये होती है कि हमारा बेबी बिल्कुल नॉर्मल हो और बेऐब हो, जिंदगी वाला हो। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, सारी बात है, जिन लोगों के साथ होए हुए हैं तो वो माएँ, मतलब उनके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है, अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ऐसे ना करे। तो लेकिन मैंने बहुत अपने फैमिली में और इधर उधर देखा है, पता नहीं अल्लाह ताला कैसे उन माओं को फिर सब्र देता है, दे देता है, लेकिन बहुत मुश्किल से। तो बस इस तरह से है कि हम लोगों ने दुआ वगैरह करके जाना है, और पूरे 9 मंथ्स में मुझे तो आप या हफीज़ो 11 या 13 बार, जितनी मर्जी अल्लाह का नाम है आप वो पढ़ें, तो अल्लाह ताला आपके बच्चे को भी हिफाजत में रखता है और आपको भी हिफाजत में रखता है। ऑब्वियसली मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत एक्टिव रहती हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे बहुत लोग मना करते हैं 8वां महीना बहुत भारी है, तुम गाड़ी पे मत जाओ, बाहर नहीं जाओ, ये नहीं जाओ, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, 4 कुल पढ़ती हूँ और या हफीज़ो पढ़ती हूँ। तो अल्लाह ताला पे जब आप छोड़ देंगे अपना मामला, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपके लिए सबसे बेस्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह कमर में कोई दर्द नहीं होगा, 4 साल हो गए मेरी बेटी को, मुझे कभी कमर में मस्था नहीं हुआ, और अभी मेरे ख्याल से 2.5 माह का मेरा बेटा है और मेरा अभी सी सेक्शन हुआ है, मुझे कोई पेन नहीं हुआ। इवन एंड दैट मैं वॉक करती हूँ, मैंने वॉक स्टार्ट कर दी 40 डेज के बाद, मुझे कोई दर्द नहीं होता ऑपरेशन वाली जगह पे। पता नहीं कुछ लोगों कहते हैं कि हमें टीसें उठती हैं, हमें दर्द होता है, अगर आप 6 महीने तक कोई वेट नहीं उठाएंगे, ज़्यादा झुकेंगे नहीं, आपको सारी जिंदगी कमर में दर्द नहीं होगा। ये एक्स्ट्रा वेट नहीं उठाना, जिम नहीं करना, वॉक आप कर सकते हैं, अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप डंबल्स 2-2 kg वाले उठा लें, बाजुओं की एक्सरसाइज कर लें, वो सब आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी झुकने वाला काम, ज़्यादा हैवी वेट, कोई घर में बॉटल उठा ली, कोई बैग उठा लिया, कोई सोफा चेंज कर लिया, मतलब फर्नीचर नहीं करना है, तो आपको कभी सारी जिंदगी दर्द नहीं होगा। वीडियो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जी, और जो माएँ बन गई हैं और जो बनने वाली हैं उन सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और जो सारी कुंवारी हैं तो यार तुम लोगों को तो पहले ही एक्सपीरियंस हो गया, देख लो फिर हमारा वीडियो देख देख के। चलो जी, होपफुली यू लाइक माई वीडियो, लव यू, हो गया, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।